सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नो वीडियो। मेरा नाम है थर और आप देख रहे हैं कि वीडियो मास्टर जी। चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कई दिनों से मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली। एक मंथ हो गए मुझे अपनी वीडियो डाले हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट गोल्ड फिशेस। तो चलिए जानते हैं फैक्ट अबाउट गोल्ड फिशेस। तो फ्रेंड्स, आपका पहला पॉइंट और पहला फैक्ट ये है कि गोल्ड फिश का ओरिजिन। कई लोग पूछते हैं कि गोल्ड फिश कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिन है उसका। तो जो गोल्ड फिशेस है उसका ओरिजिन चाइना में हुआ था, और चाइना में लोग उसको ब्रीड करवाते हैं और वहाँ से इंपोर्ट हो गया। हम लोग के कोलकाता सिटी में आती है, कोलकाता, मुंबई, गुजरात ऐसे सिटीज़ में आती हैं, और वहाँ से ब्रीड करवा के ऑल ओवर अवे अपने इंडिया में आती हैं गोल्ड फिशेस। तो जो हम लोग के एक्वेरियम में रहती हैं वो सब गोल्ड फिशेस कोलकाता से आती हैं ब्रीड करवा के। तो यही हम लोग का चाइना से आती हैं, जो हम लोग की ओरिजिन है हम लोग की चाइना से हैं गोल्ड फिशेस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले फैक्ट या फिर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम लोग का ये अगला पॉइंट है कि आप कि मछलियों को कितना दाना दिया जाए। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं लोगों से कि कितना दाना मछली को, गोल्ड फिश को देना चाहिए। गोल्ड फिश हम लोग की मर रही है ज़्यादा खाने। तो मैं बोलूँगा कि आप ओवर फीडिंग अपनी मछली को बिल्कुल भी मत करिए। जैसे आपके पास 6 से 7 मछलियाँ होती हैं तो आप उसको 10 से 11 पैलेट्स आराम से दे सकते हैं, या फिर आपके पास 15 से 20 मछलियाँ होती हैं तो आप मैक्सिमम उसको 24 से 25 पैलेट आराम से दे सकते हैं। और ओवर फीडिंग उसको बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैं कहूँगा कि अगर आप ओवर फीडिंग करते हैं तो मछलियाँ को वो स्विमिंग ब्लैडर डिसीज़ भी हो सकता है, तो आप उसको ज़्यादा ओवर फीडिंग ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोग का कई लोग बोलते हैं कि गोल्ड फिश को बाउल में रखा जाए। तो मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा कि आप उसको बाउल के अंदर रखा जाए, क्योंकि मैं तो बोलूँगा कोई मछली भी आप बाउल के अंदर उसको ना रखिए, क्योंकि उसके अंदर मछली ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर ले पाती है, और उसके अंदर एयर भी ज़्यादा नहीं मिल पाती, तो मछली ज़्यादा कंफर्टेबल उसके अंदर रह नहीं पाती, तो इस बात के लिए उसकी डेथ हो जाती है। तो जो हम लोग की गोल्ड फिशेज होती हैं उसमें, जैसे अगर आप 6 गोल्ड फिशेज लाते हैं तो उसके अंदर जैसे आपके पास 3 से 4 फीट का मैक्सिमम टैंक होना चाहिए 5 से 6 गोल्ड फिशेज के पास के लिए। और हम लोग की जैसे 15 से 20 मछलियां हो गई गोल्ड फिशेज, तो वो हम लोग की 5 से 6 फीट के टैंक में ईजिली रह सकती हैं हम लोग की गोल्ड फिश। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि अगर आप 2 गोल्ड फिशेज भी लेते हैं तो आप उसको 2 से 3 फीट के टैंक में आराम से रख सकते हैं, वो आराम से बड़ी होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, और आगे भी चल के कोई दिक्कत नहीं होगा आपको और आपकी गोल्ड फिशेज को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का चौथा पॉइंट आ जाता है जो हम लोग का लाइफ स्पैन है। तो गोल्ड फिश हम लोग की आप गूगल में भी सर्च करोगे तो 10 से 15 साल आपको मैक्सिमम बताएगा, लेकिन मैंने सर्च किया जो लॉन्ग टाइम तक आज तक की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो गोल्ड फिश जी है वो 43 ईयर्स तक जी है। तो आप सोच के ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गोल्ड फिश 43 ईयर्स तक लाइफ स्पैन तो 10 से 15 साल का, लेकिन एज कैसे? अब वो उसके मालिक के डिपेंड पे बताता है कि वो कौन से क्वालिटी का उसको फूड खिला रहा है, और कौन से कितने बड़े एक्वेरियम में कितने अच्छे वाटर, अच्छा फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तो आपकी आराम से सर्वाइव कर सकती है भी जितना आप चाहे, मतलब जितना ना चाहे, लेकिन उसका एक लाइफ स्पैन आखिरी में आके एंड हो ही जाता है। और फ्रेंड्स, मैं अपने दूसरे फैक्ट और दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा कि आपको मस्ट अच्छा फिल्टर वाटरेशन रखना चाहिए, फिल्ट्रेशन अच्छे बायो मीडियाज डालने चाहिए, अच्छे केमिकल मीडियाज डालने चाहिए आपको, और आपको अच्छा फिल्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि मछली तभी उसके अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आपके पास 4 से 5 फीट का टैंक है तो आप उसके अंदर आराम से इंटरनल फिल्टर लगा सकते हैं। इंटरनल फिल्टर ज़्यादा प्रिफर नहीं करूँगा, लेकिन आप तब भी लगा सकते हैं, या फिर स्पॉन्ज फिल्टर लगा सकते हैं आप उसको, और उसका टॉप फिल्टर लगा सकते हैं, दैट्स वन ऑल्सो गुड। और आप उसके लिए कैनेस्टर फिल्टर भी लगा सकते हैं, जो मैंने अपने फिशेस के लिए लगाया, और आप उसके लिए हैंगिंग फिल्टर भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा आपके लिए अच्छी चॉइस होगी। तो अच्छा फिल्ट्रेशन रहेगा तभी मछली अच्छी तरह से बढ़ेगी।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग गोल्ड फिश की कम्युनिटी पे आ जाते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, गोल्ड फिश की कम्युनिटी एक अलग होती है। तो हम लोग के जो भी फिशेस, आपको पहले कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग के फिशेस में, एक्वेरियम हॉबी में तीन तरह की कम्युनिटी आती है फिशेस की। एक तो हम लोग की टेट्रा आती है, दूसरी हम लोग की चिकलेट होती है, और हम लोग की तीसरी गोल्ड फिशेस होती हैं। तो हम लोग की जैसे टेट्रा में मॉलीज हो गई, और हम लोग की चिकलेट में ऑस्कर और फ्लावर होना आ जाती है, और हम लोग की गोल्ड फिशेस में जो हम लोग नॉर्मल गोल्ड फिशेस आ जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि जो गोल्ड फिश की कम्युनिटी होती है उसके आप उसके साथ चिकलेट या फिर टट्रा की फिशेस बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वो आपकी फिशेस को हार्म कर सकती है और आपकी फिश को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकती है। हम लोग के टैंक मेट्स, तो हम लोग के जो गोल्ड फिश के टैंक मेट होते हैं वो आप मिल्की कार्प रख सकते हैं, और आप उसके साथ काफ़ी तरह की मछलियाँ रख सकते हैं, जैसे कि एंजल फिशेस रख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि एंजल फिशेस गोल्ड फिश के साथ बिल्कुल भी रह नहीं सकती। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं कहूँगा, गोल्ड फिश एंजल फिश के साथ आराम से रह सकती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 2 साल तक गोल्ड फिशेस को एंजल फिशेस के साथ रखा है, और वो उसको बिना कुछ भी नहीं मारती, एंजल फिश गोल्ड फिश को नहीं मारती है। और मैं ये कहूँगा कि आप गोल्ड फिश और एंजल फिश को बड़े टैंक में रखें, ताकि अगर उसके चांसेस भी होते हैं मारने के तो थोड़ा दूर दूर रहे गोल्ड फिश और एंजल फिश। और मैं कहूँगा कि आप उसको बचपन से रखें, ताकि वो अच्छे से एक साथ ढल सकें दोनों मछलियाँ। और हम लोग की अब यहाँ बेटा फिश आ जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेटा फिश नहीं रह सकती गोल्ड फिश के साथ, तो मैं भी बोलूँगा कि ये गलत बात है, गोल्ड फिश के साथ बेटा फिश रह सकती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1 से 2 साल तक मैंने पाला है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। या फिर जो आपकी मेल बेटा फिश होती है वो थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, लेकिन जो आपकी फीमेल बेटा फिश होती है उसको आप आराम से गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं, और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी गोल्ड फिश को कोई हर्ट नहीं करेगी। तो मैं बोलूँगा कि आप सर्च करिए गूगल पे, जो भी आप वैरायटी की फिशेस रखते हैं, या फिर चिकलेट टेट्रा या फिर गोल्ड फिशेस में जो भी फिशेस रखते हैं उसके बारे में काफ़ी सर्च करिए, फिर उसी के हिसाब से आप टैंक मेट्स और आप तरह के का टैंक सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फूड क्वालिटी पे हमने आ जाते हैं, जो हम लोग के एक्वेरियम के लिए, अपने फिशेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फूड क्वालिटी जैसे कई तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं आपके लिए फूड, जैसे ऑप्टिमम का हो गया आपके पास, और आपके पास टेट्रा वेट्स का फूड हो गया, और आपके पास वन ऑफ द बेस्ट हेकारी फूड हो गया, जिसको आप अपनी मछलियों को देंगे तो बेस्ट क्वालिटी फूड होता है, या फिर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑप्टिमम का भी 3-in-1 फूड आप, मैं प्रीफर करूँगा कि आप ले सकते हैं। मैं भी अपनी फिशेस को वही पैलेट्स देता हूँ, और आप उसको आराम से अपनी फिशेस को दीजिए, और आपकी फिश अच्छी तरह से ग्रो होंगी। 3 से 4 महीने के अंदर आपकी फिश, अगर आप एक उंगली लाएँ तो कम से कम एक हाथ से बड़ी हो सकती है आपकी गोल्ड फिशेस, मैं आपको कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको फूड के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप मेरे उस पर वीडियोज़ पर जाके देख सकते हो, और हाँ आप उसको सीरम्स भी दे सकते हैं, बेस्ट फूड होता है। आप उसको लाइव फीडिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग की सीरम्स हो गए लाइव फीडिंग में आ जाते हैं, और हम लोग के जैसे अभी कभी कभी आप जो बकरे का गोट का हार्ट होता है वो भी आप उसको फीड कर सकते हैं, वो भी आपके फिशेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि गोल्ड फिश ओमनिवोरस होता है, वो खा सकती है गोट के हार्ट। अब हम लोग हमने लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। आप चाहे गोल्ड फिश या फिर कोई सी भी फिश पालें, आपको उसकी केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसकी केयर करना चाहिए, और आपको अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते तो आपको मछली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना चाहिए, जैसे आपको पानी उसका एकदम साफ रखना चाहिए, आपको उसका गुड क्वालिटी का फूड देना चाहिए, आपको उसके टैंक मेट्स के बारे में जानना चाहिए, आपको अच्छा वाटर करना चाहिए, और अच्छा फिल्ट्रेशन होना चाहिए मछलियों का, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सर्च करें, आपके पास गूगल है आप उसके अंदर सर्च कर सकते हैं गोल्ड फिशेस और कोई भी फिशेस के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपके पास जितनी भी फिशेस है उसके बारे में खूब सर्च करिए, तभी आप मछलियाँ रखिए, वरना अगर आप ऐसे रखेंगे बिना कोई रिसर्च के कोई मछली रखेंगे तो आपकी फिशेस मर सकती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एक्वेटिक मास्टरजी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा,
और अगर आपको मेरी वीडियो पे कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।